हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज है तो अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं और आयरा भी सो रही है। और पता है, आज आयरा ने एक बहुत अच्छा, मतलब क्या बताऊँ, आज ये कृष्ण भगवान का फोटो, आयरा देखी इतनी हंस रही थी कृष्ण भगवान को फोटो को, मतलब लगा जैसे कृष्ण भगवान से बातें कर रही है। बहुत मतलब उस कृष्ण भगवान को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आप लोग से बातें करती हूँ, क्योंकि आयरा भी सो रही है। मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो शूट नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आयरा का मॉर्निंग का रूटीन, कि आयरा सुबह उठ के क्या करती है हमारे साथ और कितने बजे सोती है। तो क्या है कि आयरा मतलब एक तो रात में सो जाती है, 12-1 बजे तक सो जाती है। बहुत प्यारी बच्ची है। अब मतलब एक मंथ तक बहुत उसने परेशान किया, लेकिन अब वो ज़्यादा परेशान, दिन में परेशान करती है, दिन में ज़्यादा नहीं सोती है, लेकिन रात में सो जाती है, 12-1 बजे तक सो जाती है आयरा। 1 बजे सो जाएगी, उसके बाद मैं उसे उठा कर फिर दूध पिलाती हूँ 2 घंटे के बाद। फिर 1 बजे सोएगी, फिर 3 बजे मैं उसे उठाती हूँ और उसको दूध पिलाती हूँ। फिर ये नहीं है कि मतलब दूध पी ली तो उसके बाद जगी है, नहीं, दूध पी लेती है उसके बाद आयरा सो जाती है। और सोने के बाद फिर मैं उसको 5 या 6 बजे उठाती हूँ, फिर उसको दूध पिलाती हूँ। तो और दूध पिला के फिर उसके फिर 1 घंटे और सोती है, 7 बजे तक मैं उसकी मालिश करती हूँ। और अगर नहीं भी उठा सो जाती है तो आयरा खुद 7 बजे उठ जाती है, खुद अपने आप उठ जाएगी। या अगर मैं नहीं भी चाहती कि नहीं मैं अभी थोड़ा सा और सो लेती हूँ और सो लेती हूँ, नहीं, वो सोने ही नहीं देती, उठ जाती है 7 बजे। और जब 7 बजे उठ जाती है आयरा, तो उसके बाद मुझे उसकी उसको लेके फिर उसको मालिश कर देती हूँ उसी टाइम 7 बजे, फिर उसको दूध पिलाती हूँ। तो दूध पिलाती हूँ और दूध पिलाने के साथ ही आयरा पोटी भी कर देती है, तो मेरा एक और काम निपट जाता है। आजकल आयरा क्या करती है ना, दूध पीती है तो मॉर्निंग में ही पोटी कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर आजकल क्या होता है ना कि मालिश करती हूँ, मालिश करने के बाद दूध पीती है, दूध पीने के बाद आयरा पोटी कर देती है। तो एक हो जाता है कि चलो पोटी भी करनी पड़ जाता है, आयरा एक बार ही पोटी करती है, मॉर्निंग करे या इवनिंग करे, कभी कभी 2 बार कर लेती है। तो उसके बाद आयरा फिर सो जाती है, थोड़ी देर के लिए सोएगी आयरा। अगर नहीं भी सोती है तो फिर उसको लेके थोड़ा देर मतलब इधर उधर करो, घुमाओ फिरा, तो फिर सो जाती है, 9 बजे तक सो जाती है। तो फिर उसके बाद सो जाएगी, तो उसके बाद मैं काम कर लेती हूँ अपना सारा, मतलब खाना वाना थोड़ा बहुत झाड़ू लगा लूँगी, खाना मतलब जो भी दाल सब्जी ये बनाना हो, क्योंकि रोटी चावल में जब खाना होता है तभी हम लोग बनाते हैं, मतलब गरम गरम बनाएंगे उसी वक्त खाते हैं, ठंडा पसंद नहीं है, तो इस वजह से तो जब खाना होता तभी मैं रोटी बनाती हूँ। तब तक क्या होता है ना कि आयरा का फिर टाइम हो जाता है उठने का, अगर नहीं भी उठी तो 11 बजे तक फिर आयरा को 2 या 3 घंटे तक आयरा का दूध पिलाना ही होता है। और नहीं पिला, आजकल क्या होता है ना, पहले छोटी थी आयरा तो आयरा उठती नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती दूध पिला। आजकल क्या होता है ना कि उसको भूख लगती है, खुद उठ जाती है। तो 11 बजे तक मैं उसको दूध पिला देती हूँ, फिर उसको मालिश करूँगी, फिर दूध पिलाऊँगी 11 बजे तक। तो फिर उसके बाद वो सोएगी या नहीं सोएगी, क्या करती है जब मुझे खाना बनाने या खाने, या तक कभी कभी कैसा दिन में तो बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है, एकदम सोएगी नहीं। और ऐसा उसको आदत हो गया ना कि मतलब दूध भी पिला दो, बेड पर लिटा दो तो लेटी ही नहीं, उसको गोद में ही रहना है, बस रोने लगती है तो उसको गोद में लेके बैठना पड़ता है बहुत देर तक, तब जाके 3-4 घंटे होंगे, इधर उधर करो, यहाँ तक खाने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे, क्योंकि अगर उसको लिटा के सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं जाऊँ, थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ, कर लूँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा मतलब रोने लगेगा, जब रोएगी तो फिर चैन नहीं मिलता ना कि रो रही है बच्ची, तो फिर मैं खाना खाऊं या मैं कुछ करूं, मन नहीं लगता, तो मैं सारा काम छोड़ ही देती हूं और आके फिर उसको लेके बैठ जाती हूं। तो वो सोती नहीं है ना, मैं तब तक कोई काम नहीं करती हूं। और आजकल आयरा क्या है ना कि रिस्पॉन्स देती है, मतलब अब 2 मंथ की होगी ना तो कुछ बोलो ना तो मुड़ मुड़ के देखती है। और अमित को तो पता है ऐसे रहेगी और पीछे अगर वो इधर से उधर चले जाते हैं तो पीछे ऐसे ऐसे मुड़ के देखती है, ढूंढती है उनको। तो आजकल रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब 1 महीने बाद 3 मंथ तक वो लगता है कि मतलब ज़्यादा हंसने लगेगी और मतलब बातों को वो करेगी। और बहुत मतलब अगर जगी रहती है तो इधर उधर ऐसे ऐसे देखती है बहुत। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में आयरा भी उठेगी, तो अभी तो 4 बजे उठी है, सॉरी 5:30 बजे तक सोई है आयरा, तो अभी सोएगी, तो इस वजह से
प्यारा सा हमने मंगाया था अमेजोन से आयरा के लिए, उसके पापा ने गिफ्ट किया था आयरा को। तो ये प्यारा सा पिल्लो है, इसमें दिया हुआ है और ये गद्दा है और इसी में नेट लगा हुआ है। तो ये हमें बहुत प्यारा लगा तो हमने मंगा लिया इसे। तो इस पे आयरा इस पे सोती है। तो क्या होता है ना कि बहुत मक्खी लग रहा था, तो हमने सोचा कि चलो आयरा के लिए ये मंगा लेते हैं, इसमें आयरा सेफ रहेगी और कुछ कीड़ा उड़ा भी नहीं काटेगा, तो इसलिए हमने ये मंगा लिया। तो आप लोग बताना कैसा लगा ये, प्यारा सा है क्यूट सा। तो अभी मैं दिखाती हूँ इसको बंद। तो ये ऐसे एक ये गद्दा है, इसमें एक पिलो दिया है और इसी में एक ये नेट लगा हुआ है। तो बहुत मक्खी लगता था, आयरा को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, सो नहीं पाती थी। तो हमने सोचा कि चलो ये मंगा लेते हैं। तो ये ऐसा है, इसी में आयरा सोती है, तो इसमें सो जाती है, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। और ये अच्छा है ना कि बिना कीड़ा उड़ा से भी बचेगी और मक्खी भी नहीं लगेगा, कुछ भी ना मच्छर लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसमें आयरा सोती है। तो अभी तो मैंने उसे लिविंग रूम में सुलाया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं सो रही है। तो पता है आयरा आजकल मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करती, दिन में थोड़ा बहुत परेशान करती है और रात में तो आयरा मुझे सोने देती है। आजकल सुकून की नींद सो रही हूँ, बस वही है कि दो दो घंटे उठना पड़ता है, बस उसे दूध पिला दो, उसके बाद सो जाती है। मतलब फीडिंग करने के लिए ही आयरा उठती है और उसके बाद सो जाती है। फिर मॉर्निंग में वो 7 बजे दो दम पक्का, 6 बजे 7 बजे पक्का वो उठ ही जाती है। तो अभी सो रही है, अभी मेरा सारा काम ही ख़त्म हो गया, बस रात का बनाना है डिनर। तब तो मैं तो रात में ही बनाऊंगी उसे, क्योंकि मुझे जब लोग खाना होता है तभी बनाती हूँ गर्म, तो इस वजह से। तो अभी तो कोई काम नहीं है, बस जा रही हूँ थोड़ा सा, बस चाय बनाऊंगी। और तब तक अभी आयरा अभी उठने में उसको टाइम भी है, अभी तो उठेगी, तब तो उठेगी तो उसको फिर एक मालिश करूँगी, उसके बाद फिर दूध पिलाऊँगी। तो और यहाँ गर्मी की पहले से बहुत राहत है यार, अब टेम्परेचर बहुत यहाँ कम हो गया है, तो मौसम अच्छा है, अभी हवा हवा चल रहा है इस वजह से। तो और आयरा पता है, आयरा एकदम इतनी प्यारी बच्ची है, क्यूट बच्ची है ना, ज़्यादा मम्मा को परेशान नहीं करती। और दिन में तो परेशान करती, बच्चा है तो परेशान तो करेगी ही, लेकिन रात को नहीं करती। रात को आयरा सो जाती है, तो फीडिंग के लिए बस उठती है। और पता है आयरा से कुछ भी आजकल बात करो ना, मतलब तो रिस्पॉन्स देती है, मतलब हंसेगी कभी कभी ऐसे ऐसे, पूरे घूम घूम के देखती है कैसा क्या है, मतलब एकदम पूरा। और आगे लिविंग रूम में वहाँ पे वॉल लगा हुआ है गोल वाला, जो फ्लावर्स उसमें लगे हुए हैं, उसको देख के तो बहुत खुश होती है, उसको देखती रहेगी, ऐसे देखती रहेगी। तो ये तो उसको पसंद आ गया हो, उसमें फ्लावर्स है इस वजह से, तो वो सब देखती रहती है। और आजकल हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं आयरा की वजह से, कि एकदम से रूम में पैक से बंद होके रह गए हैं यार, एकदम मन होता है कहीं जाए, यहाँ तक नीचे तक भी नहीं जा पाते, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं मिल पाता ना कि नीचे घूमने जाऊँ, क्योंकि वो सोती रहती है, फिर उसको छोड़ के जाना अच्छा नहीं रहता, कहाँ उसे छोड़ के कहाँ जाएंगे। और फिर क्या होता है, जब उठेगी तो उसको मालिश करो, दूध पिलाओ, फिर खाना हो जाता है, ये सब बनाना, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे, तो इस वजह से। तो अभी तो आयरा सो रही हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ कि आयरा अभी सो रही हैं। और फिर जा रही हूँ, अभी चाय बनाऊँगी, थोड़ा सा चाय पीती हूँ। तो आयरा का यही रूटीन है मॉर्निंग की, बस अपना दोपहर तक ये करती हैं, फिर शाम को फिर वही फीडिंग करेंगी, फिर खेलती हैं थोड़ा बहुत मम्मा के साथ, अकेले तो खेल नहीं सकती, अकेले उनको लिटा दो तो वो रोने लगती हैं, बस उनको गोद चाहिए किसी न किसी को, किसी के अपना गोद में रहती हैं तभी जाके उनको चैन रहता है, वैसे नहीं बस सोने टाइम तक ही बस बेड पर सोती हैं, वैसे जगी रहेंगी तो गोद में ही रहेंगी, मतलब बेड पर नहीं रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइट बंद कर दिया है,
अभी लाइट ऑन नहीं करूँगी नहीं तो जग जाएगी। तो ये है आरा, यहाँ पे सो रही है, बहुत मज़े से सोती है, बहुत मज़े से सोती है ये सब। तो वहाँ पे आरा सो रही थी, मैंने लाइट ऑन नहीं किया क्योंकि फिर आरा उड़ जाएगी तो फिर परेशान करेगी, तो इस वजह से जब उसका उठने का टाइम होगा तब मैं, अगर नहीं उठेगी तो मैं उठाऊँगी। तो और पता है आरा को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, मैं फ़ैन में रखती हूँ तो उठ जाती है। तो अभी उधर थोड़ा सा मौसम ठंडा है क्योंकि उधर से गैलरी से थोड़ा सा आता है हवा, तो इस वजह से, तो नहीं तो अगर कूलर, वो भी पता है उसको ढक के मैं सुलाती हूँ कूलर चला के, और उसको फिर नेट लगा देती हूँ और उसमें उसको अच्छे से ढक दूँगी। उसके बाद क्या होता है ना, वो पैर से मार 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 के सारा हटा देती है उसको, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं होता उसको, मतलब कूलिंग एकदम ठंडा में सुलाओ तो उसको बहुत मज़ा आता है, लेकिन मतलब सर्दी लग जाएगी इस वजह से मैं उसको ढक के सुलाती हूँ कैप पहना के और उसको अच्छे से ढक के, नहीं तो उसको सर्दी लग जाएगी। लेकिन उसको पता है उसको ठंडा मतलब गर्मी उसको पसंद नहीं आया, मतलब गर्मी उसको बहुत ज़्यादा लगता है, और मतलब उसको ठंड में इतना तेज़ हम लोग को ठंड लगती है, लेकिन वो मज़े से पैर ऐसे फैला के हाथ फैला के एकदम मज़े से सोती है। तो यही रहा आरा को मैंने दिखाया कैसे प्यारी से पैर फैला के आराम से सो रही हैं, तो ऐसे ही सोती रहती है। तो फिर पता है कि मैंने तुलसी जी लगाया वहाँ पे यार गैलरी में, तो क्या है ना कि तुलसी जी लगाया ना तो उसको पता नहीं चूहा आ गया, उसकी मिट्टी को खा जा रहा है, एकदम पूरा गड्ढा कर दिया है। ताकि उसको हम इतना उसको गोल करके उसमें पानी डाल के सही से किया है, नहीं मुझे लगा कि इस बार भी मेरी तुलसी जी फिर चूहा ख़राब कर देगा, लेकिन अभी सही है सब, तब तक जा रही हूँ मैं चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। थोड़ी देर में मिलते हैं अभी। और ये देखो आज मैंने ऐसे हेयर स्टाइल बनाया है बहुत दिनों के बाद, ऐसे मैं कॉलेज लाइफ में बनाती थी, हमेशा कॉलेज जाती थी ना तो या तो ऐसे ऊपर पफ बना के फिर ऐसे चोटी बनाती थी अधिकतर, क्योंकि मैं पहले, अब तो मैं खुला रखने लगी अपना हेयर, लेकिन मैंने पहले मैं खुला नहीं रखती थी, हमेशा ऐसी चोटी बना के जाती थी, या तो ऐसे नहीं तो फिर पूरा ऐसे करके मांग निकाल के साइड से और फिर चोटी बना के जाती थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे चोटी बनाती हूँ अपना, तो मैंने ऐसे चोटी बनाया, बता जैसा लगता मुझे तो अच्छा लगता है यार ऐसे चोटी, मेरा बाल भी ख़राब हो गया, हेयर कटिंग कराना है। तो ये हमारा चाय बन रहा है, यहाँ लाइट थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, रूम में चलते हैं। आप पता है उठ गई आरा, उठ गई, नहीं नहीं बेटा आ रहे हैं गाइस, थोड़ी देर में बात करते हैं। तो गाइस आरा उठ गई है, मतलब अब सोने की, अब सोएंगी नहीं अब उठेंगी, तो इनका टाइम भी होने वाला है। तो ये देखिए मैं गोद में लेके उनको बस सोने की कोशिश करूँ, सो जाएंगे तो ठीक है थोड़ा देर, नहीं तो फिर इनको दूध पिलाऊंगी। तो और हमारा चाय भी ऐसे ही रह गया यार बना के, यही होता है। बेटा हाँ हाँ कर रही है, हाँ नहीं तो चलिए मैं आरा को देखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।